हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स की 95 सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स डिस्कस किए थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी चैप्टर्स को मैं कंटिन्यू करते हुए आज उसके आगे के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके एग्जाम में चैप्टर फर्स्ट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मैं हम आज उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, एक देश की केंद्रीय समस्या क्या होती है। दूसरा दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, मींस व्हाट इज इकोनॉमी और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फाइनली दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल सी बात डिस्कस करते हैं कि आपकी नजर में सबसे अमीर देश कौन सा है। वो चीन है, या वो अमेरिका हो सकता है, या आपको वो स्विट्जरलैंड लग सकता है, या एनीथिंग एल्स। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सबसे गरीब देश कौन सा आपकी नजर में? आप किसी को भी तो बोल सकते हैं, कुछ लोगों को तो लगता है भारत देश भी गरीब है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले केंद्रीय समस्याओं की, मीन्स सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। दोस्तों, ये वो समस्याएं हैं जो आपके अमीर से अमीर देश में पाई जाती है और गरीब से गरीब देश में पाई जाती है। एक बार इकोनॉमिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए वो कौन सा देश है जहां पर केंद्रीय समस्याएं नहीं पाई जाती है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत या सब में। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग आंसर लगाए कि आए होंगे इसका अमेरिका, क्योंकि मोस्टली लोग सुनते हैं अमेरिका बहुत अमीर देश है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम ना होती हो, केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न ना होती हो। तो उसका आंसर था सभी देशों में केंद्रीय समस्याएं पाई जाती हैं, चाहे वो हमारा छोटा गरीब देश हो, चाहे वो हमारा बड़ा अमीर देश हो। तो दोस्तों, अब समझने से पहले कि केंद्रीय समस्याएं क्या है जो हर देश में पाई जाती है, तो समझते हैं। पहला दोस्तों, पहली हमारी जो केंद्रीय समस्या है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, मींस क्या उत्पादन करें। दोस्तों, दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहां पे वो है व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। दोस्तों, तीसरी जो हमारी यहां पे समस्या है वो है होम टू प्रोड्यूस, विच मींस किसके लिए उत्पादन। दोस्तों, आप लोग समझ रहे हो कि ये हमारी समस्या लेके आ गए कहीं, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किसके लिए पढ़े, बट हम ये आपकी समस्या नहीं, हम देश की समस्या पर पढ़ने जा रहे हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। सो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। फ्रेंड्स, बेसिकली ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम रिलेट टू दी प्रोडक्शन, मींस ये जो समस्या है वो उत्पादन से क्या है संबंधित है। वो कैसे, बेसिकली जब हम प्रोडक्शन करने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं, जिसको हम उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं, या हम पूंजीगत वस्तु बनाएं, जिसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स मीन्स पूंजीगत वस्तुएं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में रोजाना प्रयोग में लाते हैं। और अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में कहूं तो उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। मीन्स
कंज्यूमर गुड्स आर दोस गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली। जैसे हम रोजाना खाना खाते हैं तो रोजाना की चीजों में जो हमें प्रयोग में लाई जा रही वस्तुएं वो क्या कहलाएंगी? उपभोक्ता वस्तुएं। वही दोस्तों कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, विच मीन्स जो वस्तुएं उत्पादन या लाभ कमाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं। अब आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारे देश के सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास पैसे हैं, अब हमें जो सामान बनाना है, तो हमारे सामने पहली प्रॉब्लम आ रही है कि हम उपभोक्ता वस्तु बनाएं या पूंजीगत वस्तु बनाएं, मीन्स कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। चलो हमने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों को बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि किस रेशियो में, मीन्स आप कहना चाहते हैं कि 70% 30% बना लो, आप कहना चाहते हैं 50% बना लो, आप कह सकते हैं 30% 70% बना लो, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं क्या जो हमने प्रोडक्शन किया 70 30 50 50 वो एक्यूरेट निकलेगा? ऐसा नहीं होता। जब भी हम जितना अंदाजा लेके चलते हैं वो कभी भी एक्यूरेट नहीं निकलता, और हम बता भी नहीं सकते एक्यूरेटली कितना होगा, तभी तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, समस्या है। तो पहली किसी भी देश की सरकार के सामने जो समस्या उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, समस्या उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है क्या उत्पादन करें, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या भाई कैपिटल गुड्स बनाएं। सेम लाइक जब आपको ये समझ आ जाए कि हाँ चलो भैया हमें दोनों बनाना है और इतना इतना बना लेते हैं, दूसरी हमारे सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस। बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस रिलेट फ्रॉम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, विच मीन्स तकनीक, कैसे उत्पादन करें की समस्या तकनीक से संबंधित है। हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए दो तरह की तकनीकें उपलब्ध हैं, एक श्रम प्रधान तकनीक और एक पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब है आप लेबर से काम करा रहे हैं, मीन्स श्रम लोगों से काम करा रहे हैं। वही पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब है आप किससे काम करा रहे हैं, मशीनों से काम करा रहे हैं। अब आपकी नजर में लेबर इंटेंसिव अच्छी है या कैपिटल इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव से ये होगा लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बट लेबर कैपिटल की तुलना में कम काम करती है, मीन्स मशीनों की तुलना में धीरे काम करेगी, वही कैपिटल ज्यादा काम करेगी, लेकिन कैपिटल पे खर्चा आएगा। और अगर आप कैपिटल यूज करते हैं मतलब मशीनों से काम करवा रहे हैं तो आपकी लेबर तो बेरोजगार हो जाएगी। तो आप इसी प्रॉब्लम के कारण आपको चूज करना है कि आपको अपनी कंट्री में अपनी अर्थव्यवस्था में कौन सी तकनीक यूज करनी है। मीन्स यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव विच मीन्स श्रम प्रधान तकनीक, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव विच मीन्स पूंजी प्रधान तकनीक। दोस्तों मैंने जैसा कि बताया आपको श्रम प्रधान तकनीक वो तकनीक है जिसमें श्रम का ज्यादा प्रयोग किया जाता है एज कंपेयर टू कैपिटल टेक्नोलॉजी, वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं, मींस मशीनरी का ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू लेबर। नाउ तो अब आपको चूज करना है कि आपको किससे कितना उत्पादन करना है, वही यहाँ पर रेशियो निकल के आ गया कि आप इसको ज्यादा उत्पादन कराएंगे उससे कम उत्पादन कराएंगे। अगर आप लेबर ज्यादा रखवाते हैं तो आपका देश विकसित नहीं हो पाएगा, मॉडर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन धीरे होगा क्योंकि आप मशीनरी को यूज नहीं कर रहे हो। और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मींस मशीनों से सारा काम करा रहे हैं, तो आपकी लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, आपकी लेबर खाली बैठ जाएगी, तो दोनों में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे देश की या किसी भी देश की दूसरी प्रॉब्लम है कैसे उत्पादन करें। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, Whom to produce, किसके लिए उत्पादन करें। बेसिकली कोई भी सरकार है वो उत्पादन करके रख चुकी है, अब उसके सामने समस्या आ रही है कि वो इस उत्पादन से प्रॉफिट कमाए या लोगों के सोशल वेलफेयर मीन्स समाज कल्याण के लिए खर्च करे। तो दोस्तों ये तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन करें। बेसिकली हमारी इकोनॉमी में ये वाली समस्या वितरण से संबंधित है। वितरण को इंग्लिश में कहेंगे हम क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। So it is a problem of rate to the distribution, कि हमने जो बनाया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरण करना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा दो तरह के लोग हैं यहाँ पे, आप एक तो अपर क्लास
और एक लोअर क्लास, मीन्स अमीर कह सकते हो आप हिंदी में और गरीब। दोस्तों अपर क्लास जो है वो क्या करती है, महंगी चीजें खरीद सकती है तो यहां से सरकार को प्रॉफिट मिलेगा। वही गरीब है वो महंगी वस्तु नहीं खरीद सकता, महंगी क्या छोड़ो वो अपनी डेली नीड्स की जो कई सारी वस्तुएं उन्हें भी नहीं खरीद पाता है। एजुकेशन हो गया, घर हो गया, गैस हो गया, आप सुना होगा इनमें कई चीजों में सरकार क्या करती है, हमें सब्सिडी देती है तो सरकार वहां पर भी खर्चा करती है। तो सरकार को क्या करना है, जो सरकार ने वितरण करना है वो दो चीजों को देख के करती है, अमीर और गरीब, अपर क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास से सरकार को क्या मिलता है, प्रॉफिट अर्न होता है। अपर क्लास से क्या आएगा आपका प्रॉफिट, वही यहां से समाज कल्याण होगा, सोशल वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन आपकी केंद्रीय समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जैसे कि आपको ये समझ आ चुका है और मैं ये बता चुका हूं कि ये प्रॉब्लम हर कंट्री में पाई जाती है, इतनी कंट्री से लेके इतनी बड़ी कंट्री तक। ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हिंदी में कहेंगे अर्थव्यवस्था क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो बेसिकली दोस्तों हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, मीन्स इकोनॉमी। अगर हमसे कोई पूछे इकोनॉमी क्या है, या तुम देश में क्या कर रहे हो, अपनी अर्थव्यवस्था में क्या कर रहे हो, तो यार मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, फिर उसे खर्च कर देता हूँ, फिर यहाँ से कमाता हूँ, फिर शिक्षा लेने जाता हूँ, फिर जरूरतों पे खर्च करो, मतलब जो भी चीज रिलेट है वो हमारे कमाने से और खर्च करने से, जितनी भी सारी हम क्रियाएं करते हैं मोस्टली क्या होती है, आर्थिक होती है, जो हम कमाते हैं और खर्च करते हैं। तो इस कमाने और खर्च करने की क्रिया को सिंपल कह सकते हो आप जीविका प्राप्त करना, जिसे इंग्लिश में कहोगे आप लिविंग अर्न करना। तो इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति अपनी लिविंग अर्न करता है। हिंदी में कहेंगे जब कोई व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करता है। तो अर्थव्यवस्था वह रीति है जहां कोई व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करता है। यह आपकी दोस्तों होगी इकोनॉमी की डेफिनेशन। नाउ अब बात करते हैं हम इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों आपने 11th में पढ़ा होगा कि हमारी इकोनॉमी थ्री टाइप्स होती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड। कैपिटलिज्म को हम हिंदी में कहते थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी वाली सोशलिज्म को हम कहते थे समाजवादी अर्थव्यवस्था, और नेक्स्ट जो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको मिश्रित बोलते थे। दोस्तों अब इसका जो नाम है 12th में वो चेंज हो चुका है, इकोनॉमी तीन टाइप्स की ही है, लेकिन पहली इकोनॉमी का नाम हो गया है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, दूसरी वाली इकोनॉमी का नाम हो गया सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, एंड लास्ट वाली का नाम सेम है मिक्स्ड इकोनॉमी। हिंदी में इसको बोलेंगे बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। इसको बोलेंगे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजना बद्ध अर्थव्यवस्था, और इसको बोलेंगे मिश्रित। बेसिकली दोस्तों ये तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं हमारे 12th में। अब मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें हमें कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन ले रहा है। अगर हम दोस्तों मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, क्या कैसे किसके लिए उत्पादन करेगी, जो डिसीजन होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर लेता है। कौन सा, इसमें मार्केट में प्राइवेट सेक्टर टेकिंग डिसीजन। वही अगर हम सेंट्रल प्लान की बात करें तो यहां पे डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट टेकिंग डिसीजन। और दोस्तों अगर हम मिक्स की बात करें तो यहां पर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट
दोनों ही मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करें अगर यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका में आपको मार्केट इकोनॉमी मिलती है। वही दोस्तों अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में आपको सेंट्रल प्लान इकोनॉमी मिलेगी, और हमारे इंडिया की बात करें तो आपको वहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी मिलेगी। दोस्तों ये आज हमने दो क्वेश्चन प्रिपेयर किए, आने वाली सीरीज में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं और भी आप क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप नीचे इस वाले सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करके उनकी भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।